Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute with Revision with RSM, and here I'm back with another video on functions of management. So today we have a video on functions of management. So last lecture mein humne padha tha the Henry Fayol's 14 principles of management. Agar aapne wo video ab tak nahi dekha hai तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखिए और अपने प्रेशियस फीडबैक दीजिए. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फंक्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट एज कंसर्न. सो हेनरी फेयॉल वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ही हैज़ गिवन 5 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. उन्होंने 5 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, जिसे हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग या डायरेक्टिंग बेसिकली. तो ये पार्ट में उन्होंने ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे. बट इन 1937 लथर गुलिक हैज़ गिवन अ की वर्ड कॉल्ड एज पोस्टकॉर्प, POSDCORB. P refers to planning, O refers to organizing, S refers to staffing, D is directing, CO refers to coordination, R refers to reporting, and B refers to budgeting. So Lathar Gulick has given a keyword and an acronym, and that was POSDCORP. So आइए start करते हैं हमारे functions of management. सबसे पहला function है P. P refers to प्लानिंग. देखो, प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का. प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हम डिसाइड करेंगे एडवांस में अबाउट द फ्यूचर. मतलब हम हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, वो अचीव करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेंगे. अगर हमें फ्यूचर में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए हमें टारगेट रखना पड़ेगा, एंड वॉट एवर टारगेट वी कीप फॉर दैट टारगेट वी विल टेक सम नेसेसरी स्टेप्स. ओके, सो एक डेफिनेशन भी दिया है प्लानिंग का. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस वॉट टू डू, वेन टू डू एंड हाउ टू डू इट. इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू बी. ये एक डेफिनेशन दिया है अकॉर्डिंग टू कोन्स. तो बेसिकली हमें एक प्लानिंग का सिंपल मीनिंग याद रखना है कि फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर. हमें फोरकास्ट करना है फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर कैसा होगा, उसके लिए हमारा कंपनी कहाँ तक हमें लेके जाना है, वो हमारी कंपनी को अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा टारगेट अचीव करना है उसके लिए गोल हमें अभी से सेट करने पड़ेंगे. दैट इज़ कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग. ठीक है, नेक्स्ट हमर फंक्शन इज ओ. ओ रेफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है डिटर्मिनेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज. तो इट रेफर्स टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग productive relationship amongst them for achievement of organizational goals. देखो, organization एक process है जिसमें हम क्या करते हैं, identification करते हैं activities का, फिर grouping करते हैं activities को, फिर सबको duties को assign करते हैं. We are assigning the duties, we are delegating the authority and creation of responsibility, we are coordinating authority and responsibility relationship. मतलब organizing is nothing but interlinking of the activities. Organizing means determination and grouping ऑफ दी एक्टिविटीज. प्रॉपर ग्रुपिंग किया जाएगा और उससे क्या होगा, बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग. ऑल द रिसोर्सेज विल बी प्रॉपरली मैनेज. ठीक है, तो फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज है उसको हम एक प्रोडक्टिव तरीके से यूज करेंगे ताकि कंपनी को उसका बेनिफिट मिले. दैट इज नंबर सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग. नंबर थर्ड इज स्टाफिंग. स्टाफिंग का मैंने सिंपल मीनिंग लिखा है, दैट इज सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज कॉल्ड एज स्टाफिंग. इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कीपिंग इट मैंड. बेसिकली इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि अगर हम एक राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% होगा. इफ़ यू सिलेक्ट अ फाइनेंस पर्सन एंड ही इज एक्सपर्ट इन फिनांस, बट वी हैव वैकेंसी इन मार्केटिंग एंड वी आर सिलेक्टिंग अ फिनांस पर्सन एंड पुटिंग हिम इन मार्केटिंग, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू टेक करेक्ट एंड रिलायबल डिसीजंस. तो दैट इज़ वाई
स्टाफिंग का सिंपल मतलब है सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. ओके, डी रेफर्स टू डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मतलब होता है डील्स विद इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग सबॉर्डिनेट्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. देखो सिंपल मीनिंग है डायरेक्टिंग का, हम डायरेक्शन देंगे. हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, उनको हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा. डायरेक्शन हैज मेनी एलिमेंट्स. बेसिकली डायरेक्शन के साथ बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. नंबर वन होता है सुपरविजन, नंबर सेकेंड होता है अपना मोटिवेशन, नंबर थर्ड इज लीडरशिप, नंबर फोर्थ इज कम्युनिकेशन. तो ये सारे एलिमेंट्स कवर है. मतलब हम हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको एक प्रॉपर वे दिखाए, प्रॉपर उनको सुपरवाइज करे, प्रॉपर उनको मोटिवेट करे, प्रॉपर उनको बेसिस पे उनके एक्टिविटीज़ करके ले ले, प्रॉपर उनको कम्युनिकेट करे. बिकॉज कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. सो दैट इज कॉल्ड एज दी डी फॉर डायरेक्टिंग. ओके, नेक्स्ट इज अवर सी. सी रेफर्स टू कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस और हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स मतलब हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स, जो हमने स्टैंडर्ड रखा है कि एक इंडिविजुअल समझो एक घंटे में 10 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ऐसा हमने एक टारगेट रखा कि वन इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस 10 यूनिट्स. फिर जब उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा तो अगर उस पर्सन ने एक्चुअली परफॉर्म करते वक्त सिर्फ 8 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चरिंग की है, सो ये 8 यूनिट्स और 10 यूनिट्स का जो 2 यूनिट्स का डिफरेंस है उसको हम डेविएशंस बोलेंगे. तो दिस डेविएशंस आर नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड्स. एंड देन व्हाट वी विल बी टेकिंग दिस डेविएशंस के बारे में हम लोग रीजंस ढूंढेंगे. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस डेविएशंस एंड सर्टेन करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव दिस डेविएशंस. दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल मीनिंग ऑफ द वर्ड कंट्रोलिंग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सीओ. सीओ रेफर्स टू कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हमें सिंक्रोनाइजेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, हमें यूनिफिकेशन करना है. बेसिकली इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमें हमारे एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना है. वी हैव टू इंटीग्रेट अवर एक्टिविटीज विद ऑल द डिपार्टमेंट्स बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली वन सिंगल डिपार्टमेंट बट इट डिपेंड्स अपॉन द होल डिपार्टमेंट्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज़ वाई सारे डिपार्टमेंट्स का आपस में अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज द वर्ड कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और मैनेजमेंट कैन बेसिकली अचीव कोऑर्डिनेशन थ्रू इट्स बेसिक फंक्शन. कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट कब अचीव कर सकता है, जब उनका प्लानिंग प्रॉपर होगा, जब उनका ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर होगा, जब स्टाफिंग प्रॉपर होगा, जब डायरेक्टिंग प्रॉपर होगा, जब हम उनका कंट्रोलिंग प्रॉपर होगा. अगर ये सारे पॉइंट्स पे मैनेजमेंट पहले ध्यान देगा, कंपनी ध्यान देगा, देन ओनली वी कैन प्रेडिक्ट दैट कोऑर्डिनेशन विल बी प्रॉपर. ओके, सीओ इज कोऑर्डिनेशन. आर रेफर्स टू रिपोर्टिंग. ऑल एक्टिविटीज शुड बी रिपोर्टेड. दैट मीन्स सबऑर्डिनेट्स जो भी एक्टिविटीज करता है, जो भी वर्क उसको दिया है, वो उसको इमीडिएट बॉस सुपीरियर को रिपोर्ट करना जरूरी है. एंड बी रेफर्स टू बजटिंग. बजटिंग इज नथिंग बट मैनेजमेंट ऑफ द कैश, मैनेजमेंट ऑफ द इनफ्लो, मैनेजमेंट ऑफ द आउटफ्लोज, मैनेजमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस. एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली एंड कंजर्वेटिवली मैनेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिज आर द एक्रोनॉम विच आई हैव डिस्कस विद यू ऑल रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, subscribe the channel Last Minute Revision with RSM and press the bell icon for further notifications. Give your valuable feedback and press the like button if you really like the video. Thank you and have a nice day.